हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जा रही हूँ स्कूल। फ्रेंड्स, आज मेरे स्कूल में मैंगो पार्टी है। फ्रेंड्स, ये कि मेरी मम्मा ने ड्रॉ किया है। वेलकम बैक टू माई वीडियो। तो ये देखिए, मैंने अपने बेटे के लिए ड्रेस निकाल दिया था, क्योंकि वो आपको बता रही थी आज इसकी मैंगो पार्टी है। तो वो देखिए, पहले कलेक्शन उसकी मैंने लगा दी है। और ये देखिए, मैं उसके लिए जो बाहर से लेकर आई थी टियारा, इसको मैंने सही किया था। और ये देखिए, उसकी हेयर क्लिप्स हैं। और टियारों को मैंने अपने तरीके से थोड़ा पास पास फूल लगा के उसको और अच्छे से मैंने बनाया था। और देखिए, मैं उसके लिए मैचिंग की हैंकी भी लेकर आ गई थी। और ये देखिए, मैंने उसको फुल रेडी कर दिया था। तो बताइए अब कैसी लग रही है। देखिए ये माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही है, मेरी बेटी भी मैंगो की तरह। तो फिर चलते हैं, आइए उसका लगा था। तो ये देखिए, ये दो मैंगोज निकाल लिए थे, इनको मैंने अच्छे से कट्टा लिया था। और इसको कट्टा के बाद मैं इनका लंच बॉक्स पैक कर देती हूँ। अभी मैं इनका स्क्रीन रख देती हूँ। मैं उसके बाद मैं ये देखिए पैक कर चुकी हूँ। और आज ये देखिए, मैं अपने बेटे को भी इस मैंगो दे रही हूँ। उनको वैसे भी चाहिए इतना फूड, बच्चों को लंच उनको जरूर देना चाहिए, क्योंकि उनके लिए हेल्दी होता है। मैं उनको ये चिप्स और एक केक भी दे रही हूँ, ये फ्रूटी दे रही हूँ, क्योंकि उनकी अच्छी से आज फ्रूटी दिन। ये देखिए, मेरी बेटी दिखा रही है जो मैंने उसके लिए ये कार्डबोर्ड पर जो मैंगो बनाया हुआ था। तो देखिए क्लिप्स मैंने कितनी अच्छी बनाई है। तो ये आपको दिखा रही थी कि ये देखिए मेरी मम्मा ने बनाया है। और ये देखिए, किसी ने अपना खुद से ही देख रही हूँ कि मम्मा ने किस तरीके से रखा है। तो ये आप देखिए, ये लोग अपना रोज देखने बाहर में लंच पैक कर लेती हैं। तो उसके बाद ये लोग फिर से अपना लंच देखते हैं कि आज मम्मा ने लंच बॉक्स में क्या रखा है। ये पैक कर रही हैं, तो आप देखिए ये देखते हैं। और आज इनको मैंने लंच में सिर्फ खोला बॉक्स और मैंगो का ही दिया है। और इसके साथ मैंने इनको फ्रूटी दिया। ये देख चुकी हूँ अपना फुली सेटिस्फाइड होने के बाद, ये अपना लंच दोबारा से पैक कर रही हूँ। ये देखिए, अपने से ये पैक करके रख रही हूँ। और ये देखिए, मैं कितने आपको दिखा रही हूँ, ये छोटी बेटी बना रही थी। और ये देखिए, इन्होंने अपनी सैंडल निकाल के रखी थी। ये देखिए, ब्लैक कलर की सैंडल है और ये इनको बहुत पसंद है। तो ये अपनी मर्ज़ी से आज ये वाली सैंडल पहन के जा रही हैं। बोल रही थी मम्मा मुझे ये न्यू वाली सैंडल पहन कर जानी है। और ये देखिए, इसमें कुछ थोड़ी सी हील है, ये ब्लैक। और ये जरकन के नग लगे हुए हैं इसमें, ब्लैक और सिल्वर में है ये सैंडल। ये बहुत प्यारी, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। तो ये आज इनको यही मैं सैंडल वेयर करके भेज रही हूँ। ये देखिए आपको कैसी लग रही है, देखिए अच्छी लग रही है ना। और ये देखिए, उसके बाद ये अपना टिफिन और अपने ये बैग में लगाने जा रही हूँ। ये देखिए, फिर से अपना टिफिन लेकर। और ये फ्रूटी भी मैं इनको दे रही थी, तो ये मैं आ रही थी। और ये देखिए, अभी अपने बैग में कुछ टिफिन बॉटल भी अपने उससे खुद ही रखती हैं। और ये हैंकी वगैरह देखिए किस तरीके से रख रही हूँ। मैं बॉटल ये पैक कर लेती हूँ, बॉटल वगैरह ये सब खुद लगाती हूँ, मुझे नहीं करना पड़ता। ये देखिए कितने प्यार से अपने हाथ बैग पैक कर रही हूँ। देखिए सब रख रही हूँ, और सुबह सुबह ये आ गया उसकी। और देखिए सही से रख भी नहीं पा रही, तो बार बार निकाल रही हूँ रख रही हूँ। और ये देखिए, ये देखिए अपनी फ्रूटी आपको दिखा रही हूँ कि मैं फ्रूटी भी ले जा रही हूँ। और ये देखिए, अभी मैंने अपना बैग पैक कर लिया और ये स्कूल के लिए निकल चुकी है। ये देखिए, जो मैंने साइज बनाया तो ये भी लगाए हैं। ये देखिए जाल में, जो मेरा छोटा बेटा जो है वो स्कूल जा रहा है। और फिर शाम के लिए आज रोज़ा था, आज 9 मुहर्रम था, तो आज का मेरा आज मेरा रोज़ा था। ये देखिए, शाम को अफ्तार के लिए ये फातिहा के लिए जर्दा वगैरह आया था। और ये नमक पारे मैंने बाहर से मंगवा लिए थे। और ये देखिए, बनाना पीसे कट करके रख लिया था। और ये मैंने आज ये प्याज की पकौड़ियाँ बनाई थी, क्योंकि अफ्तार में बिना पकौड़ियों के तो अफ्तार होता ही नहीं है। और रमज़ान की याद, जब भी रोज़ा रखा जाता है तो रमज़ान की याद आ जाती है। ये मैंने अपने घर में ही मैंगो शेक बनाया हुआ था, तो मैंने वो भी ले लिया था। मैंगो शेक बना के मैंने इस बॉटल में पूरा फिल कर लिया था। और ये देखिए, ये मेरा बेटा
रोज़ा खोलने के लिए रेडी है। इन लोगों को रमज़ान बहुत अच्छा लगता है। देखिए पहले से टोपी लगा कर बैठ गए, और ये देखिए ये मेरी बेटी हिजाब हिजाब वगैरह लगा के बैठी हुई हैं कि कल कब रोज़ा अफ्तार होगा। और ये देखिए उसके बाद मुझे लंच पे डिनर पे मिलना था, तो आज बना रही थी पनीर। तो उसके ये देखिए मैंने चॉप कर लिया था टमाटर को, थोड़े प्याज निकाल लिए, ग्रीन चिली, इन सबको निकाले, ये थोड़ा ड्राई गरम मसाला था, इन सबको मुझे सॉटे करके फिर उसके बाद मैंने देखिए एक पैन में इसको तेल ले लिया था। आपके पास रिफाइंड ऑयल हो तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए उसमें मैंने बटर डाल दिया था, बटर डालने से फ्लेवर अच्छा आता है। देखिए उसके बाद हम इसमें जब तेल गरम हो जाए तो जो हमने गरम मसाला निकाल के रखा था तो हम सारे खड़े गरम मसाले डाल देंगे। उसके बाद चॉपकी हुई प्याज को हम डाल देंगे, टमाटर डालते हैं, उसके बाद इसको थोड़ा सा चला कर और इसको हम ढक कर थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। और ये देखिए इसमें मैंने ग्रीन चिली भी ऐड कर दी, और जो काजू वगैरह निकाले थे उसको भी मैंने ऐड कर दिया। सबको ऐड करने के बाद अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए पका लेती हूँ। ये देखिए सॉफ्ट हो चुकी है, तो मैं इनको पीस कर एक फाइन पेस्ट बना लेती हूँ। ये देखिए मैंने पनीर को कट करके पहले से ही रख लिया है, और पनीर कट करने के बाद ये देखिए एक दूसरे पैन में मैंने तेल ले लिया, उसके साथ जो मैंने मसाला सॉटे किया था पेस्ट बना, देखिए पेस्ट बनाने के बाद सारा पेस्ट ट्रांसफर कर दिया। ये देखिए ये मसाले मैं डाल रही हूँ, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, रेड चिली पाउडर, आप अपने पेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इस पास होगा मैंने पनीर डाल दी। ये देखिए पनीर रेडी हो चुका था, तो फिर उसके बाद हम लोग ने आइसक्रीम इंजॉय करी। तो ये देखिए ये मेरे बच्चों की आइसक्रीम, और मैं पिस्ता कुल्फी खाना पसंद करती हूँ। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के लिए, जब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।